Welcome to MassHub, my dear student. Today we are learning here the topic is irrotational and scalar potential. Irrotational and scalar potential मतलब क्या? तो question क्या है? Show that f bar equals to this. मुझे f bar दिया है, एक vector field दी है in the terms of I, j and k is irrotational and hence find the scalar potential phi such that f bar is equals to del phi. दो questions पूछे इसमें. एक पहला पूछा है कि फील्ड वेक्टर फील्ड इरोटेशनल है ये शो करो, और दूसरा पूछा है कि फाइंड करो किसको, स्केलर पोटेंशियल फाइव को. ओके, तो देखो जब भी मुझे इरोटेशनल प्रूफ करना होता है वहां पर हम क्या प्रूफ करते हैं कि डेल ऑपरेटर का क्रॉस प्रोडक्ट विथ वेक्टर फील्ड अगर मुझे जीरो मिलता है देन एफ बार इज इरोटेशनल. राइट, तो इरोटेशनल इस फील्ड को इरोटेशनल प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेल क्रॉस एफ बार, और उसकी अगर वैल्यू मुझे जीरो मिल रही है तो हम क्या बोलेंगे कि जो वेक्टर फील्ड है वो क्या है, इरोटेशनल. राइट, सेकेंड पार्ट हम बाद में देखते हैं, फर्स्ट पार्ट में क्या करना है. तो हमने डेल क्रॉस एफ बार इक्वल्स टू जीरो रखने के लिए यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट किया. डेल ऑपरेटर है उसकी वैल्यू क्या होती है, डेल बाय डेल एक्स आई प्लस डेल बाय डेल वाई जे प्लस डेल बाय डेल जेड के. राइट, जब भी हम दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो कैसे आता है, सॉल्व करने के लिए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आता है. आई जे के फर्स्ट, डेल फर्स्ट है तो हम फर्स्ट डेल के कॉम्पोनेंट्स लिखेंगे, फिर एफ बार है तो एफ बार के कॉम्पोनेंट्स लिखेंगे. राइट, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, आई जे के देन कोफिशियंट ऑफ आई, कोफिशियंट ऑफ जे, कोफिशियंट ऑफ के, सिमिलर कोफिशियंट ऑफ आई, कोफिशियंट ऑफ जे एंड कोफिशियंट ऑफ के मैंने यहाँ पर लिखा. अब हम इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो कैसे सॉल्व करते हैं, आई फिर क्या आता है उसमें, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस that is del by del y get multiply this term with the minus sign e raised to x y sin z minus this multiply by this. okay, so this comes del by del z of x e raised to x y cos z. similar जो second term है वो हमेशा minus sign के साथ आती है, तो minus j, अब यहाँ पर minus j के लिए लिख रहे हैं तो क्या आएगा, this multiply by this minus this multiply by this, ये मुझे सेकेंड टर्म मिला. थर्ड टर्म में क्या मिलता है, जब हम k के लिए लिख रहे तो डेल बाय डेल एक्स मल्टीप्लाई विद दिस टर्म माइनस डेल बाय डेल वाई मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म. ओके, इतना लिखने के बाद हमें क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है इस टर्म को किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, और कैसे करना है, पार्शियली डिफ्रेंशिएट. पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है, अगर तुम किसी फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे तो x और z क्या रहेगा, कांस्टेंट. राइट, तो जब मैं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करे तो sin z तो कांस्टेंट है, किसका डिफरेंशिएशन होगा, यहाँ पर e raised to में y रिफ्लेक्ट हो रहा है इसलिए हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e raised to x y का, वो भी किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में. तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, e raised to x y का e raised to x y, और फिर x y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना, x, क्योंकि हो जाएगा y का वन, x remains as it is. इसको समझना है तो यहाँ पर तुम ऐसे भी देख सकते हो, e raised to 2x को differentiate कर रहे हो तुम किसके respect में, x के. तो पहले होता है e raised to का, तो ये क्या मिलता है, e raised to 2x. फिर होता है variable का, variable का x के respect में जब तुम differentiation कर रहे हो, 2x का differentiation, तो x का तो वन and what left here, 2, क्योंकि 2 क्या था, constant. वैसे यहाँ पर y क्या है, कॉन्स्टेंट, तो y रिमेन्स एज इट इज, सॉरी x कॉन्स्टेंट है, x रिमेन्स एज इट इज, और ये माइनस साइन यहाँ पर था तो यहाँ पर भी माइनस साइन मुझे मिल रहा है. राइट, वैसे ही हम सेकेंड टर्म का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो सेकेंड टर्म का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, z के रिस्पेक्ट में. जब तुम z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो x भी कॉन्स्टेंट है, e raised to x y भी क्या है, कॉन्स्टेंट. डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, सिर्फ cos z का, cos z का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin z, तो उससे माइनस माइनस बिकम प्लस, और मुझे क्या मिलेगा, x e raised to x y sin z. राइट, अब देखो सेकेंड टर्म माइनस j एज इट इज, यहाँ फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, आई आएगा, सेकेंड टर्म में माइनस j एज इट इज, इन साइड ब्रैकेट यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, sin z तो कॉन्स्टेंट है, e raised to x y का डिफरेंशिएशन e raised to x y, और फिर एक्स वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना, वाई, माइनस साइन एज इट इज. यहां पर जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है,
cos z का माइनस sin z, माइनस माइनस बिकम प्लस. तो यहां मुझे क्या मिला, y e raise to xy sin z with plus sign. Now come on the third term. तो इस टर्म का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, राइट. तो यहां जब मैं इसको डिफरेंशिएट करती हूँ तो cos z तो कांस्टेंट है, लेकिन यहां पर क्या लगेगा, uv rule. जब मैंने यहाँ पर uv rule अप्लाई किया तो मुझे डिफरेंशिएशन क्या मिला, x का डिफरेंशिएशन 1 e raise to xy as it is, cos z remains as it is, क्योंकि ये दोनों क्या थे, ये तो कांस्टेंट था और यहाँ पे uv लगा था तो दिस रिमेन्स सेम. सेकेंड टर्म में क्या करा हमने, x as it is, e raise to xy का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, e raise to xy, और फिर xy का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना, x, एंड दिस cos z remains constant, राइट, विथ माइनस साइन. यहां पर भी uv लगेगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो y का 1 e raise to xy cos z remains same, प्लस y as it is, e raise to xy का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, वो कितना आएगा, x e raise to xy and this cos z remains same. Okay, अब देखो, similar term with opposite sign get cancelled, similar term with opposite sign get cancelled. तो मुझे यहाँ पर del cross f bar क्या मिल रहा है, 0i plus 0j plus 0k, that is 0. तो यहाँ मेरा एक part proof हो जाता है. हम क्या लिखेंगे, hence vector field is irrotational. ये पार्ट फुल कंप्लीट होने के बाद हम किस पार्ट पे आएंगे, सेकेंड पार्ट पे, जहां मुझे क्या प्रूफ करना है, फाइंड करना है स्केलर पोटेंशियल फाइ. देखो इस क्वेश्चन में भी जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो हमारे पास दो पार्ट है. फर्स्ट पार्ट है एफ बार डेल क्रॉस एफ बार को जीरो प्रूफ करना, ठीक, वो हमने किया. डेल क्रॉस एफ बार इक्वल्स टू जीरो, मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि जो फील्ड है वो इरोटेशनल है. विद दिस हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. सेकेंड पार्ट है हेंस फाइंड द स्केलर पोटेंशियल फाइ सच दैट एफ बार इज इक्वल टू डेल फाइ. ये कंडीशन है. ये कंडीशन क्यों दी है, क्योंकि एक प्रूफ होता है जिसमें हम लिखते हैं एफ बार इक्वल टू डेल फाइ तो डी फाइ इज इक्वल टू एफ डी आर. वो तब भी होता है जब एफ बार किसके इक्वल होता है, डेल फाइ के. उससे हमारा कंसर्न नहीं है, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है स्केलर पोटेंशियल फाइ निकालने के लिए वी हैव टू ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला. वो क्या है, डी फाइ इज इक्वल टू एफ बार डॉट डी आर बार. ओके, अब देखो जब एफ बार डॉट डी आर बार का फॉर्मूला यूज करते हो तो डी आर बार क्या है, डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के, राइट. जब इसको एफ बार के साथ डॉट प्रोडक्ट किया है तो मुझे क्या मिलेगा, यहां मैंने एफ बार लिखा है आई डॉट आई जे डॉट जे एंड के डॉट के. तो मुझे डी फाइ की वैल्यू क्या मिल गई, एफ बार डॉट डी आर बार दिस इंटू डी एक्स प्लस दिस टर्म इंटू डी वाई एंड माइनस है तो माइनस इंटू डी जेड, राइट. लेकिन ये तो मुझे किसकी वैल्यू मिली, डी फाइव की, और मुझे तो क्या निकालना है, स्केलर पोटेंशियल फाइव. तो स्केलर पोटेंशियल फाइव निकालने के लिए जब मैं इंटीग्रेट करूंगी बोथ साइड, तो ये साइड पे इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड टर्म विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड इंटीग्रेशन ऑफ थर्ड टर्म विथ रिस्पेक्ट टू जेड, राइट. विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन ऑलवेज फॉलोड बाय अ कांस्टेंट. अब जब हम यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये जब इंटीग्रेशन हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, सेकेंड विद डी वाई, थर्ड विद डी जेड, तो यहाँ लगता है सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मतलब क्या, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑलवेज विथ कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर वाई जेड क्या रहेंगे, कॉन्स्टेंट, ठीक है. जब हम सेकेंड इंटीग्रेशन पे आते हैं तो वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, y के रिस्पेक्ट में. तो यहां दो चीज आएगी, क्या आएगी, फ्री द टर्म्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम x एंड z क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट. ओके, जब हम थर्ड इंटीग्रेशन पे आ रहे हैं तो वहां पर क्या लिखेंगे हम, द टर्म्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम x एंड y. तो ये इंटीग्रेशन करेंगे हम, यहाँ पर हम x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और वहां पर हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे. लेकिन इंटीग्रेशन कैसे करना है, कि जब तुम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो y z क्या रहेगा, कांस्टेंट. जब तुम सेकेंड इंटीग्रेशन पे गए और उसको इंटीग्रेट कर रहे हो y के रिस्पेक्ट में, तो तुम्हें सबसे पहले क्या चेक करना है,
कि जो टर्म्स है वो फ्री फ्रॉम क्या होनी चाहिए, एक्स, मतलब जितनी भी टर्म्स है सेकेंड इंटीग्रेशन में वहां पर एक्स नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर एक्स कंटेन करता है तो हम डायरेक्टली उसको क्या लिख देंगे, जीरो, राइट। थर्ड टर्म को जब हम इंटीग्रेट करें तो हमें क्या देखना है, द टर्म मस्ट बी फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई। अगर वहां पर एक्स वाई कंटेन करता होगा तो हम उसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, जीरो, राइट। तो अब देखो जब मैं यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट कर रही हूँ तो वाई और जेड तो कॉन्स्टेंट है, मतलब ये भी कॉन्स्टेंट है और ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट। तो सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, ई रेस टू एक्स वाई का, उसमें भी वाई क्या है, कॉन्स्टेंट। एक सिंपल सा इंटीग्रेशन देखो, अगर मैं ई रेस टू टू एक्स को इंटीग्रेट करती हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में तो हम इसका इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, ई रेस टू टू एक्स डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स, मतलब कितना, टू, राइट। क्यों, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में जो कोफिशियंट है वो मल्टीप्लीकेशन में आता है और इंटीग्रेशन में कोफिशियंट कहाँ आता है, डिविजन में। तो यहाँ मुझे इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, मैं लिखती हूँ यहाँ पर y और cos z तो कांस्टेंट था, आई राइट एज इट इज, ओके। और e रेस टू एक्स वाई का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, e रेस टू एक्स वाई डिवाइड बाय कोफिशियंट ऑफ x वो कितना है, y, राइट। लुक एट द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म मस्ट बी फ्री फ्रॉम x, यहाँ पर तो x कंटेन कर रहा है और ये मल्टीप्लीकेशन में, मतलब इस पूरी टर्म को x है, इंटीग्रेशन होगा क्या, नहीं। थर्ड टर्म फ्री फ्रॉम एक्स वाई, यहाँ तो एक्स और वाई दोनों ही है तो होगा क्या इंटीग्रेशन, नहीं, राइट। तो मुझे इस का आंसर क्या मिलता है, फाइव इज इक्वल्स टू, ये वाई से वाई क्या कैंसिल, इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स वाई कॉस जेड प्लस सी, दिस इज द स्केलर पोटेंशियल फाइव, राइट। तो ये टर्म तुम्हें जो है वो अच्छे से याद रखनी है, क्या डी फाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बार डॉट डी आर बार। जब तुमने एफ बार डॉट डी आर बार लिखा तो तुम्हें यहाँ डी फाई, इस फाई की जगह तुमको क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड टर्म विथ रिस्पेक्ट टू वाई, थर्ड टर्म विथ रिस्पेक्ट टू जेड। फर्स्ट वाई जेड कॉन्स्टेंट, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑलवेज कम्स विथ कॉन्स्टेंट, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, अदर देन दिस जो भी वेरिएबल है वो क्या होंगे, कॉन्स्टेंट। सेकेंड इंटीग्रेशन में ध्यान रखना है फ्री फ्रॉम एक्स, मतलब किसे याद रखो, जिसके रिस्पेक्ट में तुम फर्स्ट टर्म में इंटीग्रेट कर चुके हो वो टर्म फ्री रहेगी, और जिसके रिस्पेक्ट में तुम आगे जाकर करने वाले हो वो कॉन्स्टेंट रहेगा, राइट। जब हम थर्ड पे जाते हैं तो हम ऑलरेडी एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर चुके हैं, तो थर्ड टर्म मस्ट बी फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई, और इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, जेड के। कॉन्स्टेंट क्यों आया, क्योंकि विदाउट लिमिट इंटीग्रेशन ऑलवेज फॉलोड बाय कॉन्स्टेंट। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। यहाँ पर अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ इट्स टाइम टू राइट प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो ट्राई टू सॉल्व प्रैक्टिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इट वेरी इजीली। सो दिस आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन टू यू। फर्स्ट क्वेश्चन सिमिलर टू द प्रीवियस वन, जहाँ पर तुम्हें इरोटेशनल प्रूफ करना है और स्केलर पोटेंशियल निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बट डिफिकल्ट नहीं है। वहां उन्होंने ऑलरेडी दिया है कि फील्ड इरोटेशनल है, मतलब दे हैव गिवन कि डेल क्रॉस एफ बार जीरो होता है, राइट। तो उसके रेफरेंस से मुझे ए बी सी के वैल्यू निकालनी है जो एफ बार में दिख रही है। एक बार ए बी सी के वैल्यू जब तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे एफ बार में, देन यू हैव टू फाइंड स्केलर पोटेंशियल फाइव। फॉर रेफरेंस आई हैव रिटन हियर इरोटेशनल के लिए डेल क्रॉस एफ बार जीरो, स्केलर पोटेंशियल का फॉर्मूला एंड द इंटीग्रेशन विच यू हैव टू यूज टू डिटरमाइन स्केलर पोटेंशियल फाइव। थैंक यू सो मच, आई होप यू अंडरस्टैंड माई दिस कम्प्लीट वीडियो वेरी क्लियरली एंड होप यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल।